आपके अच्छा करने से सबका अच्छा नहीं होता है। मैं जितना अच्छा काम करूंगा विरोधियों को उतना दिक्कत होता है। अच्छा। कि कहीं हम और फॉलोअप न हो जाए। अभी जाइएगा, अभी बारिश हुआ है ना तेज। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे रोड पर पानी नहीं होगा, आपका जूता पानी नहीं होगा, जूता आपका नहीं डूबेगा उस। स्कूल का जो स्थिति है उससे भी भयावह एक और स्कूल है जो उस पगली को दिखा नहीं, हम इसीलिए उसको पगली का। उस लड़की का भी गलती नहीं है, उसको बुलाने वाला। अच्छा, आपको लगता है कि वो लड़की का भी गलती नहीं है, यानी कि जो बुला के लाए वो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये बहकावे में आ गए। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। ईंट उठाई हुई थी हाथ में, देखिएगा, उसको पिकेट कहते हैं। वो लड़की को ये लगा, अब पटना में रही है, गांव देहात में क्या जाने की, गांव देहात में 2500 सैलरी होने वाला मुखिया आखिरकार करोड़पति और लाखपति कैसे बन जाता है। बिल्कुल, आप इस छुपल चीज थोड़े है। शिक्षक साड़ी पहन लेते हैं, कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे मतलब कॉमेडियन का काम है, लेकिन हम एक इंसान है। अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक और वर्तमान सलहा पंचायत के मुखिया विपिन सर है, जो इन समय आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इनके खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। हालांकि आज हम इनसे बात करेंगे, अगर देखा जाए तो विपिन सर जो है चुनाव से पहले बहुत सारे वादा किए थे और उन वादा को कितना ज्यादा पूरा किए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उस समय भी हम विपिन सर का इंटरव्यू किए थे और बहुत सारा ये वादा किए थे। अभी हमारे साथ विपिन सर हैं, ये जाने माने शिक्षक हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप देखे होंगे कि इनके चुनाव के समय जो है जाने माने शिक्षक खान सर भी आए हुए थे और अभी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा सर, चुनाव के पहले जो है आप बहुत सारे वादे किए थे कि हम जीतेंगे तो शिक्षा में सुधार करेंगे, शौचालय पर ध्यान देंगे, एजुकेशन जो व्यवस्था है, इन सारी चीजों पर एक अच्छा काम करेंगे। तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस पे? मैं लगातार, जैसा कि आपने शिक्षा पर बात कहा, आपने देखा होगा जैसे ही मैं मुखिया बना था, एक वीडियो वायरल भी हुई थी, मैं सबसे पहले स्कूल गया था और 10:40 हो रहे थे और शिक्षक गायब थे। मैंने सबसे पहले शिक्षकों की क्लास लगाई थी फोन पे, याद होगा वो वीडियो, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा है फेसबुक पर, तो मुझे लगता है 18 मिलियन व्यू गए हैं उसके। तो सबसे पहले मैंने शिक्षा पर ही सवाल उठाया था और वहां पर जाकर टाइट किया और कई बार शिक्षकों से जाकर मिला और बोला कि भाई आपको पढ़ाना। अच्छा, मुखिया बनने के बाद सबसे पहले आप सरकारी स्कूल में गए, वहां पर डिजिटल बोर्ड लगाए, वो तो कोई सरकार के द्वारा फंड नहीं आया होगा, वो खुद से मैंने अपने पैसे से लगाया। अच्छा, अपने पैसे से। अच्छा, और आगे एक और आप वादा किए थे कि जैसे ही हम जीतेंगे सबसे पहले गांव में टोटल जो लाइट है, इससे पहले भी आप लाइट फ्री में लगाए थे और वो लाइट को चेंज करेंगे। नहीं, लाइट लगा हुआ था, लाइट की बिहार सरकार की, आपने पढ़ा होगा, नीतीश कुमार बोले थे कि अभी स्ट्रीट लाइट अप्रैल में ही लगने वाला था पूरे बिहार में, लेकिन अभी तक योजना आया नहीं धरातल पर, तो हम तो उसका इंतजार करेंगे कि कब आता है। हालांकि हमारे यहाँ लाइट अभी है, क्योंकि मैंने जो लगा दिया था मुखिया बनने से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है लाइट में। दूसरा मेरा सबसे बड़ा समस्या था, जो हर बार आप देखते रहे होंगे कि हमारा गाँव डूब जाता था पानी से, इस बार मैं चैलेंज करता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बांध पर जाकर देख सकते हैं, आप आए हुए मेरे गाँव में तो एक बार चले जाइएगा और देख लीजिएगा कि बांध मैंने मनरेगा से कैसे बनवाया है और वो भी बिना जेसीबी और ट्रैक्टर लगाए हुए, बिना लूट घसोट किए हुए। और जहां सरकार 210 रुपया देती थी मजदूर को, मैं 300 रुपया। अच्छा, यानी कि सलहा पंचायत में इससे पहले हमेशा बाढ़ आ रहा था, लेकिन अब आप दावे कर रहे हैं कि आगे से अब बाढ़ कभी नहीं आएगा। इस बार तो नदी में उतना पानी भी नहीं आया, भगवान भी जो है सो मेहरबान है, लेकिन हमने काम पहले से कर रखा है। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि एक ये जो देख रहे हैं ये नहर का एक पहले गेट वहां था, पुराना था, इससे पानी चला जाता था चौर के तरफ, पूरा भर जाता था, फसल बर्बाद हो जाता था। देख लीजिए एकदम चमाचम मैंने गेट लगा दिया है और उस गेट का ऊपर से इधर जो आप देख रहे होंगे ये यहाँ से ऊपर से चढ़ के आराम से खोलने वाली जगह है। ये नीचे का सीन आप देख रहे हैं, ये ऊपर देख लीजिए कि इसी से नदी से पानी चौर में जाएगा, ये हम लोगों की मर्जी से जाएगा। फंड से बनवाए कि सर अपने? ये फंड से, ये फंड से बनवाए हैं। अच्छा, तो 4 महीने जो है आपके मुखिया बनते हुए मतलब हो गए हैं, तो अभी तक आपने कौन कौन से वो काम किए हैं जो बाकी जो मुखिया है वो नहीं करते हैं? सिर्फ कहना नहीं है, जैसे आपने देखा था कि पिछले बार एक मीडिया वाली आई तो सीधे हल्ला करने लगी, विपिन सर घोटाला कर ले बने हैं, सब तरह घूम ली, कोई काम नहीं दिखा। जाती नहर पे तो नहर का गेट दिख जाता, दरवाजा दिख जाता, नहर की जो मरम्मत हमने यहाँ पर करवा दिया ये दिख जाता, उनको बांध दिख जाता, पुस्तकालय दिख जाता। मेरे जिला में, पूरे वैशाली जिला में मेरा सबसे टॉप पुस्तकालय है, अभी आप आए हैं बगल में ही है वहां पर। फिर वो ऐसा शौचालय है वो दिखाई है जहां पर जो है इतना कचरा है, बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं वहां पर, बहुत सारे सांप भी आ सकते हैं, बहुत सारे जानवर भी आ सकते हैं, तो ऐसे में वो हकीकत है यहाँ का आपके? ना, बिल्कुल जायज है, उतना ही नहीं। Who is
स्कूल का जो स्थिति है उससे भी भयावह एक और स्कूल है जो उस पगली को दिखा नहीं, हम इसीलिए उसको पगली कहते हैं कि पगली कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं क्या है कि वो अपना सेंस नहीं लगाई, उसको जहां ले जाया गया वहीं तक गए, उससे भी गड़बड़ स्थिति है। एक स्कूल है इसी रोड पर आपको मिलेगा जिसके पीछे का दीवार तो पोखर में चला गया है और याज नहीं गया है 3 साल पहले से। और एक और उस स्कूल को बनाने का काम विधायक का है और विधायक को मैंने 3 बार चिट्ठी लिख रखा है। हमारे यहाँ का विधायक है प्रतिमा दास, अगर कभी आप लोग को फुर्सत मिले तो एक बार चले जाइएगा, पूछिएगा कि विपिन सर जो मुखिया है वो आपको चिट्ठी दिए हैं, स्कूल की जानकारी दिए हैं, तो एक बार उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। और इस स्कूल की स्थिति, दूसरा उस स्कूल की स्थिति, स्कूल के मरम्मत के लिए पैसा एक स्कूल के खाते में आता है, स्कूल का खुद का खाता होता है, लेकिन उसको पता नहीं था, वो सीधे हम पर सवाल उठाना शुरू कर दी और वो जर्जर स्थिति आज थोड़े हुआ है, वो तो लगभग 5 साल से ऊपर से उस स्थिति है वैसी, आज नहीं है। इसीलिए तो लोग मुझे चुना है और मैं बारी बारी सबकी कर रहा हूँ। जैसे पुस्तकालय बनवा दिया, वो एकदम ऐसे गर्त में था वो बिल्डिंग, आप जाइएगा अब देखिएगा तो कहिएगा जी शायद यहाँ साक्षात भगवान बैठते होंगे रहते होंगे, और पहले वो नर्क। सर मैंने आपका जब घर पे एक बगल में सरकारी स्कूल दिखा, वहां पर जो है ये बांस वगैरह का बाउंड्री बनाया गया, यानी दीवार वगैरह का बाउंड्री नहीं। उसी स्कूल की बात करें, उसके पीछे जाइएगा ना तो पोखर है एक, वो पोखर में पूरा स्कूल गिर गया, और सोच लीजिए कि पोखर बनाने वाले जो है एक स्कूल से सटा के माटी काट लिया, और उसी का जमीन था, उसने सटा के माटी काट लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल का उधर का दीवार गिर गया। ये लगभग 3-4 साल पहले से। सर एक सवाल जो है वो सभी लोग आपसे पूछते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है मुखिया बनने से पहले तमाम जो गांव के लोग थे, युवा थे, खान सर भी थे, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जैसे ही आप मुखिया बन गए तो लोग ये सोचते हैं कि आप जो है घमंडी हो गए, उन लोगों से मिलते नहीं है, उन लोगों की बातें को आप नहीं सुनते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो आज छोटे बच्चों के साथ भी खेलता हूँ और रहता हूँ, और जिसको घमंड होगा वो छोटे बच्चों के साथ नहीं रहेगा। जो हमारी पहचान है आपने खुद कहा, तो शायद मैं इस गांव में रह के ये चीजें नहीं करता, मेरे जैसा और कितने यूट्यूबर होंगे जो ये चीजें करते होंगे जो मैं करता हूँ, तो घमंड तो उनको लगेगा ही, क्योंकि होता क्या है कि आपके अच्छा करने से सबका अच्छा नहीं होता है। मैं जितना अच्छा काम करूंगा विरोधियों को उतना दिक्कत होता है कि कहीं हम और फॉलोअप न हो जाए, वो उनको टेंशन इस बात की है, इसीलिए घमंड लगता है। आप कहीं से बताइए कि किसी ने हमसे बात किया होगा, किसी को मैंने गाली दे दिया होगा, कोई हमसे बात करे और हम खड़ा होकर उससे बात ना करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग को ये लगता है कि हम उससे मिलने नहीं जाते हैं। अच्छा, मिलने से क्या होता है? आपको काम चाहिए कि मिलना चाहिए? काम चाहिए। काम करने वाला आदमी हमेशा व्यस्त होता है, इस बात को याद रखिएगा, और निकम्मा आदमी बैठा रहता है। जिसके पास टाइम होगा वो समझ लीजिए वो काम नहीं कर रहा होगा। और इतना जो मैंने काम किया है ये बैठ के काम नहीं होता, ये काम करवाने से काम हुआ है। अब जरा समझिए कि हाँ, बारे में हाँ, पहले के मुखिया जी खुद बोले थे कि हम लोगों के बस की बात नहीं है, ये विधायक के फंड से होगा, वो काम तो हम करवा दिए इसी सीजन में, बाढ़ आने से पहले, बरसात आने से पहले मैंने पहला काम यही करवा दिया, तब भी लोगों को ये लगता है कि हम काम नहीं कर। लोगों को यहाँ समझ में आता है कि उनका पर्सनल कुछ मिला कि नहीं, उसको बस वो काम समझते हैं, पर्सनल चीज पर्सनल। अब जरा समझिए कि ये बिहार के एक ऐसे शिक्षक है जिन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर यहाँ तक पहुंचे हैं, यहां तक कि इनके जो पिताजी हैं वो किसान हैं, खेती करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें तो ये जो है मुखिया बनने से पहले भी गांव में तमाम जगहों पर इन्होंने लाइट लगवाया, और यहां तक कि गांव के लोगों के लिए एम्बुलेंस भी आप रखे हुए जी। अगर गांव के लोगों का तबियत खराब होता है तो एम्बुलेंस में वो जा अभी सकते हैं। अभी कहा जा रहा है कि आपका जो एम्बुलेंस है वो खराब हो गया है। अभी एम्बुलेंस खराब है, और खराब करने वाला जो था, जो लड़का अभी हटा है, उसी के जिम्मेवारी मैंने एम्बुलेंस दिया था। अच्छा। बहुत सारी बातें जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो व्यक्ति हमारे साथ रहा है और उसके विरुद्ध जब बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों हम बेकार बोल रहे हैं, वो मेरे गाँव का ही है। लेकिन होता यह था कि उसमें मैंने एक सिस्टम रख रखा था कि निशुल्क एम्बुलेंस है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ले जाएगा तो अपने तेल भरवाएगा आ जाएगा जिसको जहां जाना है, ड्राइवर फ्री है, उसका कोई रेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको जाना है हाजीपुर तो ऐसे आप जाइएगा, गाड़ी भाड़ा करके 1500 लगेगा, उसमें 500 के तेल भरा के चले जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो इसका मिसयूज करते हैं, गरीब आदमी नहीं, पैसा वाला सबसे ज्यादा मिसयूज करेगा कि बुला लिया आ तेल नहीं भरवाएगा, मुखिया वाला तो है, मुखिया जी के गाड़ी है, पैसा कथी के। और दूसरा चीज, वो बंदा ऐसा था कि अगर कोई पैसा दिया तो वो पैसा रख लेगा, तेल नहीं भरवाएगा, बोलेगा कि फलाने। अच्छा, आप पर सर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि काम में जो है 2 नंबर का ईंटा का यूज किया जा रहा है, जो
ईट उठाई हुई थी हाथ में, देखिएगा उसको पिकेट कहते हैं। वो लड़की को ये लगा, अब पटना में रही है, गांव देहात में क्या जाने कि गांव देहात में जो धुरमुस किया जाता है, नीचे फर्श बनाया जाता है, वो पिकेट ईट मजबूत होता है, उसको तोड़ तोड़ के, पत्थर के समान होता है वो भी, तो उसको पता नहीं था वो हाथ में उठैले होगी, उसके वीडियो में भी आप देख लीजिएगा, उसको दो नंबर कहते हैं, जबकि वो पिकेट भले ही टेढ़ा होता है, वो ज्यादा कोयला से पक जाता है, जिसके वजह से वो खराब हो जाता है ईटा, माने पकने से ज्यादा पक जाता है, उसे दीवार नहीं बन सकता है क्योंकि वो टेढ़ा होता है, तो टेढ़ा ईंट से कैसे दीवार बनाइएगा। तो उसको ये समझ में नहीं आया, वो बेचारी उठा ली और उसको लगा कि ये है तो दो नंबर, ये तो सॉलिड लाल लाल नहीं है, ये चिकन चिकन ईंट नहीं है, तो उसको की पता कि उससे जो फर्श बनेगा तो धुरमुस किया जाता है, ऊपर से मारा जाता है, आप देखे होंगे गांव देहात के सब लोगों को पता। अच्छा, पत्रकार जो आते हैं आपकी गाँव के हकीकत को दिखाते हैं, अब जो है आप साफ तौर पर कहे हैं कि उन लोगों पर एक्शन लेंगे, FIR करेंगे, तो क्या कोई पत्रकार अब आपके गांव में दिखाने के लिए हकीकत सच्चाई आएगा, तो उस पर इसी प्रकार से कार्रवाई किया जाएगा? सच्चाई दिखाने पर नहीं, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि झूठी अफवाहें अगर कोई फैलाता है तो कोई भी हो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो होता है एक समाज का आईना होता है, आप जो दिखाइएगा समाज वही देखेगा, वही सीखेगा, और उसके दिमाग में किसी के प्रति वही भर जाता है, चाहे तो आप किसी को हीरो बना दीजिए, किसी को राक्षस बना दीजिए, कितने, जैसे मैं तो अपनी सफाई दे सकता हूँ, मुझमें इतनी क्षमता है, मेरे पास सोशल मीडिया भी है, अगर मेरे खिलाफ आप कुछ गलत बोलिएगा तो उसका अगर मेरे पास प्रमाण होगा तो तुरंत हम लोगों को दिखा देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जो मेरे जैसे नहीं है, वो भी समाज में अच्छा काम करते होंगे, बढ़ना चाहते होंगे, और कोई हाथ ना पकड़ के उसका टांग पकड़ के खींच देता होगा, और वैसा पत्रकार पहुंच के उसकी बात न रख के उसकी केवल बुराई दिखा दे और कहे कि गलत काम किया, कोई उसको कह दिया कि चोर है तो वो बोल दिया कि फलाना चोर है, ऐसे दिखा दिया तो सबके दिमाग में तो वो बस जाएगा कि फलाना आदमी चोर है, उस आदमी का हिम्मत टूटेगा, वो आगे काम नहीं करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे देखिए हमको फर्क तब पड़ेगा जब हम गलत रहेंगे, हमारा खिलाफ आपके पास कोई सबूत होगा तब ना, आप अदालत नहीं है, आप पत्रकार हैं, आपका काम जजमेंट करना नहीं है, आपका काम है कि चीजों को दुनिया के सामने दिखाना, केवल वो कहती हम पूरा पंचायत घूम लिए, पूरा पंचायत घूम लिए, सब कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ, आज हम आपको घुमाते हैं कि पंचायत में कहां कहां काम हुआ है, और इतनी छोटी चीज थोड़े है, पुस्तकालय छोटा चीज है जो ना दिखेगा, जे लेके आया, समस्या है कि उस लड़की का भी गलती नहीं है, उसको बुलाने वाला, अच्छा, आपको लगता है कि वो लड़की का भी गलती नहीं है, यानी कि जो बुला के लाया वो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये बहकावे में आ गए, इसलिए अच्छा हम पगली कहला बोले हैं, अपना दिमाग लगाती तो उसको पगली नहीं कहते, अब उसको जो लेके आया, मान लीजिए कि आपको एक आदमी कहीं से लेके आया, चार चीज दिखा देगा आप चल जाइएगा, तो आप अच्छा पत्रकार हैं कि वो आप, इसका मतलब है आप अपने आंखों का इस्तेमाल नहीं किए, वो जो अपनी आंखों से दिखाया वो देख के आप चले गए, और वो जो स्कूल की स्थिति खराब थी वो मेरे समय से नहीं, बहुत पहले से, और उसका मरम्मत हम करवाएंगे, मेरे समय में होगा, 5 साल। अच्छा सर, क्या कारण होता है कि जो आदमी आपके साथ चुनाव में हमेशा घर पे रहता था, आपका सपोर्ट करता था, अचानक से आपका खिलाफ कैसे इतना ज्यादा हो गया? होता क्या है कि मुखिया का चुनाव पहले से ही लोग ये समझते हैं कि हम जिसके साथ रहेंगे चाहे हम जिताए हैं, तो वो अपना पूरा अधिकार समझने लगते हैं उस चीज को, वो समझते हैं कि मुखिया हम हती, और सारा जो कुछ हो के चाहिए हमारा मर्जी से हो के चाहिए, कहीं कोई ठेकेदारी हो, कहीं कुछ हो तो उसमें मेरा प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि बिचौलियों को काम करने की इसमें जरूरत नहीं। अच्छा, यहां पर क्या होना चाहिए कि जो भी चीज आती है, मान लीजिए कि हम 10 आदमी के कमीशन बना देंगे कोई योजना में, तो कैसे होगा काम, तो कमीशन में फंड खत्म है, तो हम चाहते हैं कि भाई समाज का काम होना चाहिए, हाँ कोई आदमी उसमें लग के काम कर रहा है तो 2 पैसा निश्चित है कि उसकी मजदूरी उसको जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आदमी अगर मेरे साथ है तो वो कहे कि पूरे पंचायत लुटवा दीजिए तो हम लुटवा देंगे, ये नहीं होगा हमसे। अच्छा सर, 4 महीने आपके मुखिया बने हुए हो गया, अभी तक क्या कुछ फंड आया है और आप अपने तरफ से क्या कुछ किए हैं? अभी 4 महीना हुआ है, लगभग तो 8-9 महीना हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि जब मुखिया का चुनाव होता है तो 1 महीना तक तो रिजल्ट सबके, मतलब रिजल्ट तो हो जाता है, सब जगह काउंटिंग होते रहता है पूरे बिहार में, उसके बाद 1-1.5 महीना लग जाता है उसका खाली उप सरपंच और उप मुखिया के चुनाव में, उसके बाद फिर 1-1.5 महीना लगा देगा प्रमुख के चुनाव में, जब इस तरह से 4-5 महीना बीत जाएगा तब 1 महीना लगेगा MLC के चुनाव में, उसके बाद जो है सो अगर किसी को इधर उधर पोस्टिंग उस्टिंग करना है, ईडीओ वीडियो बदलाया, BPRO बदलाया, सचिव बदलाया, ब्लॉक, इस सब योजना को तैयार होते होते 6-7 महीना लग जाता है। एक सवाल सर हम आपसे करना चाहेंगे, मुखिया का एक सैलरी कितना होता है? मुखिया का सैलरी पहले 2500 था, अब 5000। 2500 सैलरी होने वाला मुखिया आखिरकार करोड़पति और लाखपति कैसे बन जाता है? बिल्कुल, आप इस छुपल चीज थोड़े है, छुपल चीज है,
मुखिया बदनाम कहला है, मुखिया बदनाम है लूटे के चक्कर में, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ सरकार के कुछ सिस्टम है जो सही हुआ है और ये मुझे पसंद है। पहले होता था कि चेक जाइए एगो सचिव और मुखिया भर के आप पैसा निकाल लाइए, आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं अब। अच्छा। अब है ऑनलाइन, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया है, आपको काम दिखाना होगा। जैसे हमको 300 फीट रोड बनाना है, ठीक है, तो उस पोर्टल पर अपलोड करना होगा और पूरा उसका लिखा पढ़ी होगा, रोड की नपाई हो गई, फोटो डाला गया कि यहाँ से यहाँ तक के उसका जेई आता है, ब्लॉक से वो नाप के ले जाएगा, वो बजट बनाएगा, ये आप नहीं बनाएंगे, वो बजट बनाएगा कि इस रोड में इतना ही खर्चा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब उस खर्च के अनुसार ही आपको काम करना है। हाँ, कोई मुखिया अगर निश्चित है कि अगर काम करेगा तो दो पैसा निश्चित कमाएगा, ये कहीं नहीं है कि मतलब जो पूरा लगा देगा तो घरों खेत बेच कर लगाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। निश्चित है कि काम करेगा फिर भी दो पैसा कमाएगा, खूब ईमानदारी से करेगा तो न कमाएगा, या हो सकता है कि भाई अगर चाहेगा कि हम और बेहतर कर दें योजना से ऊपर तो अपना लगाएगा, यही हो सकता है। लेकिन अब है जैसे आप रोड बनाइएगा तो जैसे जैसे काम होते जाएगा वैसे वैसे पैसा आते जाएगा, अब सब ऑनलाइन वाला बात है, अब भी पैसा आपके पास नहीं आएगा, ईंट लिए तो ईंट वाला के यहाँ गया, सीमेंट जहां से लिए उसका अकाउंट लिंक है वहां पैसा जाएगा। अच्छा, यानी कि अब ऑनलाइन सारी चीजें, ये चीजें ठीक है लेकिन स्लो है, ये दिक्कत। अच्छा सर, आप जो है एक शिक्षक भी हैं और इसके बाद मुखिया बने हैं, आप जो है चुनाव के बाद वादा किए थे कि बेरोजगारी की समस्या भी, बहुत सारे लोगों गांव में रोजगार भी देंगे और शौचालय भी देंगे, मकान भी देंगे। अच्छा, बाकी मुखिया से आप अलग क्या करने वाले हैं? देखिए, जो हम अभी तक किए हैं ना, ये तो पंचायत में अलगे किए हैं, आज तक पुस्तकालय नहीं था जो हम बनवा दिए, 20 साल से एक मुखिया रहा, कभी नदी पर बांध नहीं बना जो हम बनवा दिए, कहीं यहाँ छठ घाट नहीं बना जो कि पंचायत के दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या इस गांव में है, नहीं बना वो हम बनवा दिए, वैसे जगह हम नाला बनवा दिए जहाँ। अच्छा, एक दूसरे में हम दिखाएंगे। खासकर बिहार में पोल खुलता है, अभी जाइएगा, अभी बारिश हुआ है ना तेज, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे रोड पर पानी नहीं होगा, आपका जूता पानी नहीं होगा, जूता आपका नहीं डूबेगा उस रोड। अच्छा, हाँ, यानी कि आप पूरी तरीके से पूरे बिहार में अलग प्रकार के नाला बनवा अभी रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे गांव में ही है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, और उसका अगर गलत निकले आप उसका रिपोर्टिंग करिए, सारी दुनिया को दिखाइए। अब समझिए कि बिहार के एक ऐसे टीचर है जिनके यूट्यूब चैनल पर 4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है, जिनको काफी सारे जो युवा है वो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, मनोरंजन कराते हैं और इसके साथ साथ ये मुखिया भी हैं और गांव में काम भी करते हैं। सर, आप बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गाना गाकर शुरुआत करते हैं, कभी साड़ी पहनकर वीडियो बनाए हैं, कभी मतलब कुछ अजीब प्रकार के हरकत, सारा किरदार है, सारा किरदार है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ है। अब आप गमछा लपेट के चलते हैं, अब कहेगा कोई कि पत्रकार होकर कहीं गमछा लपेटता है, तो बात यहां गमछा लपेटने की नहीं है, बात यहां शैली की है, आप जो पत्रकारिता करते हैं ये सही कर रहे हैं कि नहीं निर्भर यहां करता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब कोई कहेगा मुखिया है लाल टी-शर्ट पहन ले, तो मुखिया के मतलब लोग ये समझते हैं पैजामा कुर्ता उजला। लेकिन उजला सर सोचते हैं कि शिक्षक का काम पढ़ाने का होता है, वो शिक्षक साड़ी पहन लेते हैं, कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे मतलब कॉमेडियन काम है, लेकिन हम एक इंसान है। अच्छा, हम इंसान है ना, इंसानियत है हमारे अंदर, इंसान ना करता है सब चीज, एक्टिंग करना, गाना गाना, नाटक करना, या महिला के ही रोल करना, बड़े बड़े हीरो करते हैं, गोविंदा के नाम सुने हैं, खेसारी लाल यादव के सुने हैं, निरहुआ के सुने हैं, कभी देखे हैं लोग को एक्टिंग करते हुए कि नहीं? आज यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मनोरंजन भी करना चाहिए। अंत में एक गाना चाहेंगे कि सर हो जाए, बहुत सारे गाना भी गाते हैं। गाना तो चलिए आप ही बोल दीजिए, कौन सा गाना हम आपको सुना दें? कोई भी गाना जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, है ना। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। वाह, क्या बात है। अच्छा सर, अंत में कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में गलत भी सोच रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छे भी सोच रहे हैं। लोगों का अपना अपना सोच होता है और ये आप लोग का काम होता है कि जो आप दिखाते हैं लोग वही सोचता है, क्योंकि अब लोग देखता है और दिखाने का काम आप लोग करते हैं, तो मीडिया जो दिखाएगा लोग वही सोचेंगे। अब मेरे बारे में आप गलत बोलिएगा तो लोग के दिमाग में गलत जाएगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल सर के मुखिया बने हुए 4 महीने हुए हैं और उम्मीद है कि बिहार में ये ऐसा काम करेंगे, पूरे बिहार में ऐसा काम करेंगे कि आने वाले समय में बहुत सारे युवा आपको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुखिया होंगे। बहुत
शुभकामना सर। उम्मीद है कि पूरे बिहार में आप सलाह पंचायत को एक ऐसा गांव बनाएंगे ताकि और भी जो लोग देखे, शिक्षक लोग जो हैं वो भी आए और वो भी इस प्रकार से काम करें। बिल्कुल, नौजवान को तो आगे आना ही चाहिए राजनीति में, राजनीति बदलेगा और देखिएगा अगले चुनाव से। इस बार हम आए थे ना, और कितने लोग नए नए युवा आएंगे, एकदम आएंगे। और जैसे मान लीजिए कि आईएएस बनता था, आईपीएस बनता था, बैंक में जाता, टीचर बनता है, बिजनेस करता है, युवा कर रहा था कि नहीं कर रहा था, राजनीति में सब खाली पुराने के लोग कहला रहेगा, नए लोग। अच्छा, आपको लगता है आप खान सर के काफी करीबी है, वो भी राजनीति में कभी आएंगे खान सर? अब ये तो हमको नहीं पता है। अच्छा अच्छा, सर ने मुझे चलिए बहुत बहुत शुभकामना सर, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ विपिन सर बात कर रहे थे जो 4 महीने से सलाह पंचायत के मुखिया है, और उम्मीद है कि एक ऐसा ये काम करेंगे जिनको देखकर बहुत सारे लोग जो हैं और भी वो जो लोग हैं वो राजनीति में आएंगे और बिहार और पूरे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें, आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।